आज मगरबी बंगाल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आला ममता बनर्जी का सियासी मुकाबला होगा। वजीर आजम मोदी आज पुरुलिया में रैली को खिताब करेंगे तो ममता बनर्जी वेस्ट मिदनापुर में 3 रैलियों को खिताब करेंगी। रैली से पहले ट्वीट करते हुए वजीर आजम ने कहा कि पूरे मगरबी बंगाल में तब्दीली की बेदारी आई हुई है। बीजेपी के मिशन बंगाल के लिए चुनावी तस्वीर में यूं तो रोज स्टार तस्वीरकारों का मेला लग रहा है। वजीर दाखला अमित शाह, बीजेपी सदर जेपी नड्डा से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बंगाल में राम राज्य की स्थापना की बात कर रहे हैं, लेकिन वजीर आजम मोदी की बंगाल में मौजूदगी से जो माहौल बनता है उसका नजारा 7 मार्च को कोलकाता में देखा गया था, और आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पुरुलिया में मौजूदगी इस इलाके के बीजेपी उम्मीदवारों के चेहरे पर मुस्कान जरूर लाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज पुरुलिया में रैली करेंगे। पुरुलिया के भांगड़ा में सुबह 11 बजे वजीर आजम की रैली। बंगाल में ये वजीर आजम की दूसरी चुनावी रैली। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली की जानकारी देते हुए ट्वीट किया, 18 मार्च को मुझे मगरबी बंगाल में अपने भाइयों और बहनों के बीच मौजूद होने का मौका मिलेगा। मैं पुरुलिया में एक अवामी रैली को खिताब करूंगा। पूरे मगरबी बंगाल में परिवर्तन की इच्छा जागृत हुई है। बीजेपी के सुशासन का एजेंडा लोगों को पसंद आ रहा है। बीजेपी को बंगाल में सबसे ज्यादा उम्मीद वजीर आजम नरेंद्र मोदी के चेहरे से है। ऐसे में वजीर आजम पहले मरहले में 4 रैलियों को खिताब करेंगे। 18 मार्च पुरुलिया, 20 मार्च खड़गपुर, 21 मार्च बांकुरा और 24 मार्च कांटी मिदनापुर। वैसे वजीर आजम नरेंद्र मोदी अगर आज पुरुलिया में मौजूद होंगे तो ममता बनर्जी भी वेस्ट मिदनापुर में 3 रैलियों को खिताब करेंगी। ममता बनर्जी आज गरबेटा में दोपहर 1 बजे, कोश्यारी में दोपहर 2 बजे और कलईकुंडा में दोपहर 3 बजे अवामी रैली को खिताब करेंगी। एक दिन पहले ही ममता बनर्जी ने चुनावी इंतहाबी मंशूर जारी किया है। ऐसे में आज की रैलियों में ममता अपने वादों के बारे में लोगों को बता सकती हैं। अपनारा जानें जे गत कयेक बछर धरे 2011 साले आमरा क्षमता आसार पर थेके मामाटी मानुषेर काछे आमादेर ম্যানিফেস্ট হয়েছে। फिलहाल मगरबी बंगाल की इस लड़ाई में आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी आमने सामने हैं। वजीर आजम के वार पर ममता बनर्जी क्या पलटवार करती है आज, इस पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।